कि पाकिस्तान का दामाद है वो, नारियल दो टीका लगाओ नहीं तो लाहौर दहेज में ले जाएगा। इस डायलॉग में आप क्या कहना चाहोगे सर? पाकिस्तानी लोग को बहुत पसंद आई फिल्म गदर, कि वो फिल्म वहाँ पर बैंड थी हमारे मुल्क में, फिर भी वो एंट्री और वो जलवा और इंडिया पाकिस्तान का जो होता है हलवा। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, स्ट्रेट फ्रॉम यूएई अबू धाबी से, हमद अल रियामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं आप धर्म पाजी के डाई हार्ड फैन हो। बिल्कुल यस। उनके साथ में हमारे क्रेडिट ऑफ द मासेस विजय जी ने भी ज्वाइन किया है। विजय जी स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। सर 9 जून को कदर एक प्रेम कथा रिलीज की थी अनिल शर्मा जी ने। सही बात। गेटी गैलेक्सी में हमने आके देखी थी फिल्म और वापस वही माहौल बन गया था, हाउसफुल का बोर्ड लगा था गदर के लिए। आपकी क्या यादें हैं गदर की? सबसे पहले आपसे शुरुआत में किया। ये तो मैं पहली बार आपसे मैं बहुत खुश हूँ कि आपका चैनल और तरक्की में जा रहा है और ज़्यादा और तरक्की में जाए। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये बात आपसे छेड़ी थी पिछले साल। yes. गदर जब आएंगी तो मैं ज़रूर देखूँगा और गदर के बारे में भी आपको बताया था मेरी यादें क्या थी, कि वो फिल्म वहाँ पर बैंड थी हमारे मुल्क में, फिर भी मैं एयरप्लेन से रवाना होकर मराठा मंदिर तक वो फिल्म दो बार देखी है मैंने मराठा मंडल में 2001 में। लेकिन मेरे पास वो टिकट नहीं, लेकिन मेरे पास फोटोज़ है। okay. आपको मैं भेजूंगा, आप डालना यहाँ पर, देखेंगे सब। Absolutely. पब्लिक अभी गदर आएंगी, पहले तो गदर रिमास्टर हुई थी 4K में और मेरी बदकस्मती है कि हमारे शहर में रिलीज़ नहीं हुई 4K में। लेकिन फिर भी मैंने उसके जितने भी वीडियोज़ है यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में उसके मैंने रील्स बनाए, बहरीन में हो या इमारात में, वो मैं निकला गड्डी लेके, इतना अच्छा लग रहा था सीन्स, तो वैसा करने लगा मैं। तो अभी आएंगी 11 अगस्त में फिल्म। 11 अगस्त को पार्ट 2 आने वाली है। पार्ट 2 आने वाली। उन्होंने एक टीज़र रिलीज़ किया है अनिल शर्मा ने जी के चैनल पर। वो टीज़र देख के कैसा लगा सर? भाई वो टीज़र देख के फिर से याददाश्त जागने लगी वो ज़माने की। वो ज़माने में जब फिल्में ऐसी बनती थी तो हम हीरोज़म को बहुत मानते थे, आजकल की तरह नहीं। आजकल आपको हीरो एयरपोर्ट में मिल जाते हैं कहीं भी, वैसा नहीं जैसे कि पहले ज़माने में दिखते थे बिग स्क्रीन पे। yes. तो सनी देओल की जो एंट्री है ऐसा दिख रहा है कि वही ज़माना का फिर से याद आ गई मुझे। तो वो एंट्री और वो जलवा और इंडिया पाकिस्तान का जो होता है हलवा मेरे नज़र में, वो पब्लिक को बहुत पसंद आया, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी लोग को बहुत पसंद आई फिल्म गदर, बहुत लोगों ने पसंद की और वो भी जो बोलते हैं अरे ये ऐसा वगैरह, ये फिल्म भी उनको भी पसंद आएगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी फिल्म नहीं बनेगी जिसमें ज़्यादा एजेंडा रहेंगे, जैसे कि कुछ फिल्में बनी है बॉलीवुड में, ऐसी फिल्में बनेगी जिसमें भाईचारा ज़्यादा रहेगा। भाईचारा गदर में था और इंसानियत उसमें ज़्यादा थी और इंसानियत के बारे में वो फिल्म थी। ये नहीं थी कि मैं इंडियन हूँ या आप पाकिस्तानी, नहीं, इंसानियत के बारे में थी। बॉर्डर भी वैसी फिल्म थी, बॉर्डर अंत में क्या बोलते हैं, मेरे दुश्मन मेरे भाई, तो ये फिल्म में भी यही बात रहेगी मेरी नज़र में। चाहे वो हकीकत है, वो वॉर चली थी 70s में, वो हकीकत है। अभी क्या होने वाला है वो सनी देओल का ज़िम्मे उनके ज़िम्मे में है, वो क्या करने वाले, अनिल शर्मा के ज़िम्मे में भी है वो क्या करने वाले, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए फिल्म नहीं जैसे बोल रहे इमोशन है। इमोशन है एंड प्रेम कथा थी ये। विजय जी आपको भी ज्वाइन करना है, मैं आपसे कहूँगा प्रेम कथा जी। जैसे तारा सिंह को सकीना से प्यार होता है और आप भी मिल के आए तारा और सकीना को, थोड़ा सा आप बताइए हमद जी को कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हमद सर ने बताया जो भी इस फिल्म के बारे में सही बताया कि कोई मतलब ये भेदभाव तो नहीं था, इंसानियत की बात वो सही बताई। गदर हर जगह चली इसी बात नहीं। अरे फिर से मैं टिकट दिखाना चाहूँगा। ओके ये देखिए सर, 2001 में रिलीज हुई थी, अब यहाँ देखी थी, उसके बाद जून 40 रुपीज़ फिर से देखी, क्या बात, 30-40 रुपीज़ पहले सनी पाजी ने दिखा दी, सनी पाजी ने पहचान लिया हमें, बोले क्या बात है। अब पार्ट 2 आएगी फिर हम यहाँ देखेंगे, जरूर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ देखें। ये बात तो मैं छेड़ने वाला था, क्या बात कि मैंने गदर पार्ट देखी मराठा मंदिर में, पार्ट वन देखने के लिए, और मेरी तस्वीर है वहाँ पर छोटी जवानी की। अभी ये तस्वीर आएंगी 2023 की भी, मेरी तस्वीर देखना यहाँ पर,
गदर पार्ट टू ज़रूर देखूंगा मैं वो, और ज़रूर धर्म जी को भी बताऊंगा कि मैंने ये फिल्म देखी है। चाहे कुछ भी हो, वो सनी देओल है, वो गदर है, ये एक फिल्म है, कुछ भी हो फिल्म के अंदर, हमें फिल्म ज़रूर पसंद आएंगी। हम सब मिलके सीटी मारेंगे, सब मिलके ताली मारेंगे। मतलब ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग दिया है हमें हमद जी ने कि मैं आऊँगा पार्ट टू देखने के लिए वापस से वहाँ से, और यहाँ पे सबके साथ में बैठ के गदर पार्ट टू देखूंगा। मैं डायलॉग पे आता हूँ, जो टीजर का जो डायलॉग था कि पाकिस्तान का दामाद है वो, नारियल दो टीका लगाओ नहीं तो लाहौर दहेज में ले जाएगा, इस डायलॉग पे आप क्या कहना चाहोगे सर? ये तो पहले ये डायलॉग मेरे ख्याल से पार्ट वन में था, और वो कुछ वजह थी वो निकाल दिया गया, या फिर भी फिर से वापस आ गया। आजकल का माहौल ऐसा हो गया तो लोगों को मज़ा आएगा, वो अट्रैक्ट के लिए, और अट्रैक्टिव भी है, अट्रैक्टिव भी है, लेकिन फिल्म में मैं जैसे बताया भाईचारा ज़्यादा रहेगा, वो भी रहेगा जो लोगों को थोड़ा छेड़छाड़ी पसंद रहती है, लेकिन एंड में भाईचारा रहेगा। ये डायलॉग अट्रैक्टिव था, और ये डायलॉग किसी को भी समझ में ना था कि टीज़र किससे शुरुआत होंगे, लेडी फीमेल की आवाज़ से शुरुआत हुई। ये एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, तरकीब था टीज़र बनाने का। अनिल शर्मा को मैं दाद देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा एक नया चलन दिखाया, हमें डर लगता था फिल्म अनिल शर्मा बनाएंगे फिल्म वही पुराने ज़माने की वही पुराना स्टाइल, लेकिन ये टीज़र से दिख रहा है कुछ नया स्टाइल है, तो अच्छा दिखा मुझे। मंदिर में जो पिक्चर देखी गदर फर्स्ट, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो क्या बोला मैं, वो एक्सपीरियंस पहले तो मैं एयरपोर्ट से आके पहले मैं फ़ोटो लिया था पोस्टर के साथ, बहुत पब्लिक थी बाहर, बहुत पब्लिक थी, ऐसा पब्लिक अभी कहाँ है, या इतनी पब्लिक थी कि मुझे टिकट नहीं मिली। तो मैं बोला ड्राइवर को, पांडे टिकट ख़रीद ला, मैं रात को फिल्म देखना चाहता हूँ। तो बेचारा वहाँ 2 घंटे तक 3 घंटे तक टिकट ख़रीदने के लिए बैठा था, तो मेरे लिए 2 टिकट लाया। तो रात में भी इतनी पब्लिक आई फिल्म में, और शुरू से एंड तक सिर्फ पब्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, चिल्ला रहे थे ज़ोर से चिल्ला। और एक बात बोलूँगा, यह थोड़ा मैं किसी को नहीं बोला कि वहाँ पर एक टॉयलेट है बाथरूम बाहर से, तो कोई भी बाथरूम नहीं जा रहा है, सब बैठे हुए दबा के इंटरवल में, सब दबा के बैठे, जब इंटरवल फिल्म जब ख़त्म हुई इतना मारा मारी हो रही टॉयलेट पे। तो ये एक ऐसी फिल्म थी सबको बांध के रखने वाली, तो ऐसी फिल्म कम बनती है, बहुत कम बनती है। गदर की बात ये हमारी हुई, लेकिन गदर के साथ में मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा। रणबीर कपूर की एनिमल आने वाली है, उसका एक प्री रिलीज टीज़र आया, और उसी के साथ में अक्षय कुमार ने भी अपनी अनाउंसमेंट कर दी ओ माय गॉड 2 की, आपको इस पे क्या कहना है? मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई है, मैं तो पक्का गदर देखूँगा पहला, दूसरा चॉइस रहेगा मेरा एनिमल, क्योंकि रणबीर कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है, इस ज़माने के फेवरेट एक्टर, मेरे लिए जनरेशन के सबसे आगे रणबीर कपूर है। अगर धर्म जी के बाद कुछ आते हैं लोग जैसे कि आमिर खान सनी देओल, तो आते हैं रणबीर कपूर उनके बाद। रणबीर कपूर बहुत ही बड़े अदाकार है, वो सिनेमा को जानते हैं, शो ऑफ को नहीं जानते। ये कभी भी एडवर्टाइज या कभी भी एयरपोर्ट में नहीं आते मुझे फ़ोटो लेने के लिए, ये आते सिनेमा में, हर बार बोलते हैं सिनेमा में मिलेंगे, वी विल मीट इन सिनेमा, सो आई विल मीट हिम सिनेमा। एनिमल डायरेक्टर जो है फिल्म के, संदीप रेड्डी वांगा, क्या बात है, ये ऐसे डायरेक्टर बहुत कम आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे उनका जो जवाब जो मैंने हर बार रिपीट किया अपने चैनल में, जब बोलते हैं आपको ये फिल्म कबीर सिंह बहुत वायलेंट लगी, आप इससे भी वायलेंट फिल्म देखेंगे या मैं कुछ बनाऊँगा आपको चौंका दूँगा, तो वो सही बात करेंगे, क्या बात है भाई, ये फिल्म है, ज़रिया है लोगों को दिखाना, अक्स है मेरा क्या है इस दुनिया में, मैं अगर अच्छा इंसान हूँ तो मैं अच्छा इंसान हूँ, अगर मैं बुरा इंसान तो मुझे बुरा इंसान बताओ फिल्म के अंदर, वो बताने का उनका जिम्मा है। टीज़र में जो पंजाबी जो टरका है शुरू में, और जो मारा मारी है, और उनका ड्रेस है रणबीर कपूर का, वो क्या बोलते हैं धोती और बूट, लाल बूट, और उनकी आँख और उनका चलन, ये जो टीज़र बनाने का जो स्टाइल है ये सिर्फ ये लोग जानते हैं। ये एक फिल्म बहुत आगे फिल्म है, बहुत ही बड़ी फिल्म है, मेरे ख्याल से ये फिल्म बाजी तो मारेंगी लेकिन गदर तो गदर है, गदर तो गदर है बोल रहे हामद जी, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, आपने गदर पे इतनी बात की। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? और एक बात कहना चाहूँगा कि हमद सर तो यहाँ आएंगे देखने के लिए, लेकिन सुना है कि बॉबी जी कुछ अलग करने वाले गदर के टाइम, कुछ अलग समथिंग डिफरेंट, सबको सरप्राइज देने वाले, कुछ अलग करने वाले, तो आपका गेडी गर्ल्स में स्वागत है, आप आइए और यहाँ का मजा देखिए।
या तो मुझे और एक्साइटमेंट हो जा रहा है अभी तो देखना है क्या बॉबी क्या करेंगे, बॉबी इतने डाई हार्ट फैन है सनी देओल के, तो देखेंगे वो क्या करेंगे। या आएंगे आप सभी के पास 11 अगस्त को जब सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है गदर 2, और हम आएंगे हमद अल रियामी सर के साथ में देखने के लिए ये फिल्म, और इनका भी रिव्यू एंड रिएक्शन जरूर हम जान के लेंगे वो दिन के लिए। अभी से फाइव दिया, फिल्म के बाद भी हम पूछेंगे कि कैसे थी और पूरा एक्सपीरियंस गेटी गैलेक्सी का भी आपसे जान के लेंगे सर। थैंक यू अगेन कि आपने आपका प्रेशियस टाइम हमें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया।